भाई डीजल परांठा नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई यहाँ पे बनती, और ना ही हम लोगों को यहाँ पे सर्व करते हैं। ये तो एक जस्ट फन के लिए एक ब्लॉगर ने इस वीडियो को बनाया था जी। ऐसा कि कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी डीजल में परांठा ना कोई खाएगा ना कोई बनाता सर। जी तो उस दिन हुआ क्या था कि ये सारा मैट्रिक का लंबा चौड़ा हो गया वीडियो वायरल? सर हमें तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, हमें कल ही पता लगा कि हाँ अभी ऐसे ये वीडियो वायरल हो गई है। और हमने वो जो जिस ब्लॉगर ने वीडियो बनाई थी वो डिलीट भी कर दिया, और उसने लोगों से और जो अपने चंडीगढ़ वासी हैं और जो अपने जो लोग हैं यहाँ पे इंडियंस जो ब्लॉगर्स हैं जो भी, सबसे उसने माफ़ी भी मांग ली है कि उसने सिर्फ एक टाइटल दिया था उसको डीजल परोंठे का, ना कि डीजल परोंठा कोई बना था यहाँ पे। हम एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं सर, फॉर्च्यून रिफाइंड यूज़ करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हाइजीनिक खाना लोगों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी लंबे अरसे से हम लोगों को सेवा कर रहे हैं सर यहाँ पे। और सर हमारा लंगर भी जाता है सर यहाँ से बनकर, सरबत वाला फाउंडेशन है चंडीगढ़ में सर, वहाँ पे पीजे में हम लंगर भी बन के जाता है। हम लोगों की सर जान से नहीं खेलते लोगों की, ना कोई हमारी ऐसी कोई मंशा है कि लोगों की हेल्थ से खेलें। हम अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं और आगे भी ऐसा ही खाना, अच्छा खाना ही प्रोवाइड करते रहेंगे।